अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रभाल बाल पल्लव प्रभारुणांगि कोमल वरावयत्पुरत्परे प्रभूत संपदालये कदा करीश श्रीरम कृपा कटाक्ष भाजन अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुराभुवा सवीरम सदावन त्रिघंत बाण काचन निरंतरम वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा करीश श्रीरम कृपा कटाक्ष भाजन हरिवर्ण चंपक प्रदीप गौर Yeah.
माइक उसको दे दे। Thank you.
हरे कृष्ण हरि बोल हरे है हरि बोल तुम लोग सामने बैठो ओ दी क्या चैतन्य चंद्र सामने बैठो और तुम्हारे पास में कौन बैठे पीछे किस लिए बैठे सामने बैठे तुम लोग ओ मैं ज्ञान तिमिराम दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौ एक साथ में तुम दोनों बैठे बैठे बात करते हो गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इस्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नम वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम नम महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे उनको कॉपी उनको दे दो वो लोग लिख लेंगे तुम बैठ जाओ अपना भी लिख लेंगे हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतः श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण कथकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री ब्रजमंडल परिक्रमा का संकल्प। कल हम लोगों ने संकल्प कर चुका है आज से फिर
हम लोग परिक्रमा शुरू करेंगे। परिक्रमा की आज जो परिक्रमा हमारी मथुरा में गई हुई थी, पहले तो गया था कृष्ण का जन्म स्थान में, जहाँ पर कृष्ण अजन्मा होते हुए भी जहाँ पर भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण किए थे। भगवान क्यों जन्म ग्रहण करते हैं? बोले कारण है अनुग्रह आय भक्ता नाम करोमि विविध क्रिया। कहते भक्तों को बारे में ठाकुर जी अनुग्रह करना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी जन्म हुए। बोले जन्म तो हुए गोकुल में, लेकिन आज जहाँ पर गए थे वो मथुरा में गए थे, जहाँ पर कृष्णा प्रकट हुए हैं देवकी वसुदेव की हैं। कहते कोक से ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, इसलिए ठाकुर जी जिस समय कृष्णा चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए, इतने में श्री देवकी वसुदेव बोले, बोले प्रभु आपको तो हमने बोला था आप जैसे एक हमें संतान चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ पर 16 साल के जैसे घुंघराली केस, चमकीले चमकीले वस्त्र, शंख चक्र पद पाद, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए हो। इतने में श्री ठाकुर जी ने कहा तुम लोग दोनों पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतपा थे, जो वृक्ष से पत्ता गिरता था उसको खा खा करके 10,000 साल तक तुम दोनों ने मेरी तपस्या की। जब मैं संतुष्ट होकर के दर्शन दिया, बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसे तो कोई बेटा होता ही नहीं, मेरे जैसे तो बेटा मैं हूँ, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी बेटा बन करके आ जाऊँगा। इसलिए जहाँ पर कृष्णा प्रकट हुए थे, जब देवकी गर्भ में ठाकुर जी आए, जहाँ पर 33 करोड़ देवता प्रकट होकर के भगवान को स्तुति किया था, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स्वजोनि निहितम च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। भगवान को सत्य सनातन बोल करके सबके सब देवता जहाँ पर भगवान को स्तुति किए, बोले आपका व्रत ही सत्य है। व्रत सत्य मतलब क्या है? भगवान हैं जो व्रत लेते हैं उसको भगवान पूरी करते हैं। भगवान ने क्या बोला था? तुम्हारी बेटा रूप में मैं जन्म लूँगा, प्रकट होऊंगा, इसलिए भगवान अपना वाक्यों को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। और दूसरा है सत्य व्रत। भगवान का क्या व्रत है? अगर एक बार अगर कोई हृदय से बोल दे ठाकुर जी मैं तेरा हूँ तू मेरे हो, अगर हृदय से कोई बोल दे तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै दतामि एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, उसको मैं हर समय अभय प्रदान करता हूँ। इसलिए सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, भगवान त्रिकाल कल में सत्य हैं। पहले जो सत्य थे अभी भी सत्य, और बाद में जो सत्य रहते इसलिए उनको सनातन कहते हैं। उनका जो चरण को आश्रय करने वाले जो भक्त वो भी सत्य है, भगवान का धाम भी सत्य है, इसलिए भगवान की सभी सबके सब सत्य सत्य। इसलिए देवता लोग स्तुति कर रहे थे, हे प्रभु तुम्हारा चरण को जो आश्रय ग्रहण करते हैं, जैसे बछड़े का खुर में पानी होता है, बछड़े का खुर में छोटी सी पानी होता है ना, उसको जैसे आसानी से लोग उसको पार हो जाते हैं, तुम्हारी चरण को जो आश्रय ग्रहण करता है वो माया के संसार से आसानी से ही पार हो जाता है। लेकिन दो तुम्हारी चरण को छोड़ करके अहम ब्रह्मास्मि हैं, मैं वही ब्रह्म हूँ, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म हैं। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, बड़े कष्ट करके बड़े उच्चे पद को प्राप्त करने पर भी तुम्हारा चरण को अनादर करने का नाते तत्व पतंति अधजुस्मद अंग्रह, वो वहाँ से पतन होते हैं। लेकिन जो केवल तुम्हारी शरण को आश्रय ग्रहण करता उनको भगवान कभी पतन होने नहीं देते हैं। और विशेष करके देखो और एक चीज है, जो जो ज्ञानी है ना, जो ज्ञान मार्ग को अवलंबन करते, जो ज्ञानी वो पुरुष है, और जो माया क्या है? स्त्री। माया स्त्री और भक्ति स्त्री। अब देखना, एक जो पुरुष है ज्ञानी पुरुष है और माया स्त्री है,
एक पुरुष स्वाभाविक रूप में एक स्त्री में आसक्त हो जाता है, लेकिन एक स्त्री एक स्त्री में आसक्ति नहीं होता है, एक स्त्री स्त्री में आसक्ति नहीं होती है। इसलिए जो भक्ति ये स्त्री है और माया ये स्त्री है, इसलिए एक स्त्री एक स्त्री से आसक्ति नहीं होती, लेकिन पुरुष एक स्त्री स्त्री पुरुष से आसक्ति हो जाता है। इसलिए कहते भक्तों का पतन नहीं होता है, लेकिन एक ज्ञानी का पतन हो जाता है। इसलिए देवता लोगों ने भगवान को बड़े सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य ठाकुर जी को उन्होंने स्तुति किए हैं, जहाँ पर वो कृष्ण का कारागार है वहीं पर ही श्री कृष्ण ने कहा मेरे को गोकुल में रख करके आ जाओ और वहाँ पर एक बालिका जन्म हुई वहाँ से ले आओ। भले जाएंगे कैसे, हथकड़ी बड़ी पड़ा हुआ, पहरेदार जगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े ताला कैसे जाएंगे। बोले चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर पर रख लो, अपनी आप ये दरवाजा खुल जाएगी, हथकड़ी बड़ी खुल जाएगी, पहरादार सो जाएंगे। मतलब क्या है, अगर हम भगवान को सामने रख करके कोई भी काम करें, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी है, इसलिए भगवान को लेकर के कोई भी काम करेंगे ये माया की बंधन अपनी आप ये खुल जाएगी। अगर भगवान को पीछे कर दिया माया को आगे कर लेंगे फिर तो बंधन में स्वीकार है। इसलिए जिस समय गए तो अपने आप खुल गया, लेकिन जब अंदर में आ गए ना, जब फिर उन्होंने अंदर में आ गए और माया को लेकर अंदर में ले आया, आते ही अपने आप दरवाजा बंद हो गया, हथकड़ी बड़ी पड़ गई, पैरादर अपने आप जग गए हैं। इसलिए सर्वप्रथम आज जो मथुरा में दर्शन करने के लिए गए थे भगवान की जन्मभूमि को गए थे, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, कृष्ण के जन्म स्थान की, कहते वहां पर और एक स्थान है, कहते कंकाली देवी। ये जो कंकाली देवी, कहते ये कंस की हैं, ये आराध्या देवी, ये कंकाली देवी थी। जिस समय वहां से उन्होंने बेटी को लेकर के आए, कंस को पता चला मेरा काल जन्म हो गया, भागते भागते आया, देखा कि बेटी है। जब उन्होंने पकड़ करके उसको पछाड़ने के लिए गए, इतने में उसने अपना चरण से एक ठोकर मारे कंस को, वहीं पर लुढ़क गए, वहीं पर गिर पड़े, जैसे बिजली लगी, और ऊपर में चतुर अष्टभुजाओं को धारण करते हुए बोली अरे मूर्ख मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका। वो जो अष्टभुज रूप लेकर के दर्शन दी थी वो कौन थी, कहती वो उनकी आराध्या देवी कंकाली देवी थी। पहले तो जब देवकी को गोद में थी वो थी जोग माया, लेकिन कंस जोग माया को स्पर्श नहीं कर सकता है, वो स्पर्श करते ही हो गया महामाया है, वो हो गया महामाया, और उसने जा करके सारी बात को उसने बता दी। इसलिए कंकाली देवी को दर्शन करते हुए जन्मस्थान गए। जन्मस्थान के बाद में एक स्थान है जिसका नाम कहते दीर्घ विष्णु। ये दीर्घ विष्णु कौन है, इसे वज्रनाभ ने स्थापन किया है, कृष्ण का बहुपत्र। ये दीर्घ विष्णु कौन है, बोले जिस समय कृष्ण उनने वृंदावन से मथुरा आए हैं, जब मथुरा आए इतने में सखाओं कृष्ण अकेले तो नहीं आए, अपना जितने ग्वाल वाल थे दाम वसुदाम श्रीदाम मधुमंगल अर्जुन सबके सब सखा लोग आए थे। इतने में सखाओं को किस तरह से पता चला ये कंस धनुष यज्ञ कर रहा है, अरे धनुष यज्ञ में हैं ये कृष्ण बलराम को बुलाया है और वो कोशिश कर रहा है उनको मारने वाले, लेकिन कृष्ण कहता मैं ही उनको मारूंगा। इतने में सखा लोगों ने इतने में कृष्ण को कहते बोले कृष्ण तू क्या कंस को मार सकते हो, क्योंकि कंस इतने विशाल था। कल हम सुन रहे थे ना, जब उन्हें परशुराम के पास में गए युद्ध की, उन्होंने चुनौती मांगा, बोले केवल मेरे धनुष को उठाकर दिखा दे बाद में फिर युद्ध करना, लेकिन वो सचमुच से इतने पराक्रमी था भगवान का धनुष को उन्होंने उठा दिया, उन्होंने मान गए हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं, इतने पराक्रमी कंस था। और उसने क्या किया, एक हाथी को पकड़ करके घुमा घुमा करके ऐसे जोर से फेंका, पता नहीं कितने मील दूर में जा करके ये हाथी जा कर कितना मील दूर में जा कर गिरा। इसलिए इतने कंस इतने पराक्रमी था, उसको मारना कोई साधारण बात नहीं था। इतने में सखा लोग कहते बोले कन्हैया कंस जो इतना बड़ा कंस क्या उसको तू मार सकते हो, क्या मार पाओगे। इतने में कृष्ण ने अपना विशाल रूप दिखाया,
इसके लिए उसका नाम दीर्घ विष्णु, उनका नाम वो जो मंदिर जहां पर उन्होंने विशाल रूप में विश्व रूप विराट रूप दिखाया, जब देखा बोला हाँ हमको लगता है हमारा जो सखा कन्हैया ये कंस को मार सकता है, हैं कंस को ये मार सकता है। लेकिन अभी सखा लोग तो बात सख्य रस में, लेकिन ब्रज में तो कृष्ण को कोई भगवान मानते नहीं, कोई मानते नहीं, कोई मानते सखा, कोई मानते ही हमारे प्रियतम, कोई मानते लाला। लेकिन जब कृष्ण कभी कभी उनको पता है, कभी कभी कृष्ण जादू भी दिखा देता है कहीं, है कृष्ण कभी कभी वो जादू कभी कभी कृष्ण दिखा देता है जादू, इसलिए उनको वो मान गए हमारे कन्हैया है ये कंसों को मार सकता है। वो जो मंदिर का नाम दीर्घ विष्णु, कौन कौन दर्शन किया है देखा है दीर्घ विष्णु मथुरा, आप लोग को ही देखे नहीं एक बार है ना, आपको ये सबको लेकर के हम दर्शन करा देंगे हैं एक बार आपको मथुरा। अब तो गोकुल गिरिराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना देखा है, लेकिन ये सब चीजों को देखा नहीं कभी, इसलिए एक बार आप लोगों को सबको दर्शन करा देंगे ठीक है। इसलिए उनका नाम दीर्घ विष्णु, जब दीर्घ विष्णु दर्शन करते उसको बाद में जाते मथुरा देवी, कभी जो मथुरा देवी हैं ये मथुरा देवी, हम पहले जब बृहत भागवत अमृत कथा सुन रहे थे हैं, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं जयति मथुरा देवी हैं, जयति मथुरा देवी बोल कर उनको बात मत करो ए दूर बैठो बैठो, घर में भी बात करते हो यहाँ भी बात करते हो, इसलिए हाँ इसलिए जयति मथुरा देवी हैं, ये उनको वंदना करते जो मथुरा देवी ये कृष्ण की पटरानी है, हैं ये मथुरा कृष्ण की पटरानी है। लेकिन ये कंस उसको पर राजत्व कर रहा था, इसलिए उसने जो कुबड़ी जो कुब्जा देखा है ना उसकी राजत्व से कुब्जा ही कुबड़ी हो गई इनकी राजत्व से। लेकिन जब कृष्ण जब मथुरा में आते हैं, जैसे पति आने पर पत्नी बड़ी सुंदर दुल्हन सज करके बड़ी सुंदर रूप धारण करते हुए आती हैं, कृष्ण आते ही बस मथुरा देवी एकदम सज झज गई सुंदर रूप में, क्यों मेरे प्रियतम को मैं बड़े दिन से इंतजार कर रहा था, मेरे प्रियतम आ गई। इसलिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं कृष्ण जब मथुरा में आए क्या विशाल विशाल अटालिका, स्थान स्थान पर वहां पर सुंदर सुंदर वहां पर हैं तोरण बना हुआ और मणि लगी हुई, लाइट की जरूरत नहीं और पाम रखो अपने आप चल पड़ोगे, अद्भुत मथुरा देवी वहां हैं। ये जो मथुरा देवी हम पहले श्रवण किया था, कहते अगर कहीं किसने बाहर कोई अपराध करता है पाप करता है अगर धाम में जाओ तो अपराध दूर हो जाता है, लेकिन अगर कोई धाम में रह करके अपराध करे तो वो वज्रलेप बन जाती है। लेकिन केवल एक ही धाम श्री मथुरा धाम है, अगर वहां पर कोई अपराध कर दिया अगर वहां परिक्रमा करे वहां पर बस निवास करते हुए भजन करे तो ये अपराध मथुरा देवी अपराध नहीं लेती है। कत रात्रि एक निवास है न हरि भक्ति प्रजायते, एक रात अगर कोई मथुरा में निवास करता है उनको भगवान की भक्ति और प्रेम उनको प्राप्त हो जाती है। इसलिए जिस समय मथुरा देवी आती है अयोध्या मथुरा काशी कांची दवंतिया ये सब के सब कोई छत्री लेकर कोई चामर लेकर के कोई पिगदानी लेकर कोई उनकी ले खड़ाऊं लेकर के खड़ी रहती है, क्यों मथुरा देवी को स्वागत करने के लिए मथुरा देवी को। इसलिए किसी तरह से अगर मथुरा से जन्म हो गया नहीं तो कोई शादी होकर के मथुरा चली गई हैं वहां पर उपनयन संस्कार हो गई नहीं तो आपकी अंतिम संस्कार किसी तरह से हो गया ना बस बड़ा पार जन्म मृत्यु का चक्कर से तुम्हें निकल जाओगी। इतने महिमा श्री मथुरा देवी की वहां पर श्री मथुरा देवी को दर्शन करते हैं, बोले श्री मथुरा महारानी की। उसको बाद में एक अनंत पद्मनाभ है हैं जिस समय सृष्टि हुई जैसे भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, ब्रह्मा सृष्टि होकर चारों तरफ में पानी 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 देखा कमल नाड़ में, फिर उन्होंने पता लगाया कहीं पता ही नहीं चला, व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुना कहते एक सोलमा और एक उसमा मतलब त और प, तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या किए भगवान ने ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्य तदगंज गृहणम गदितमय, भगवान ने बोले तुमको विज्ञान समेत मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, इसलिए मेरे आशीर्वाद से
ये संसार का सृष्टि का तुम, संसार का तुम सृष्टि करो है, इसलिए वहां पर श्री अनंत पद्मनाभ का दर्शन है। ये सब जितने ठाकुर श्री बज्रनाभ ने स्थापन किया, जब वो मंदिर दर्शन करके जाते हैं वहां पर दो बराह देखने को मिलता है। कितने बराह? दो। कहते एक श्वेत बराह और एक है कृष्ण बराह। दो बराह है, हैं? ये दो बराह दर्शन करने को मिलता है। कहते भगवान बराह देव दो बार इस जगत में ठाकुर बराह रूप में भगवान दो बार प्रकट हुए। बोले पहला बराह कब प्रकट हुए? जिस समय भगवान ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया, सृष्टि करके मनु महाराज को उन्होंने सृष्टि की, और मनु महाराज को कहते ब्रह्मा की बाण और डाहन अंग से मनु और शतरूपा सृष्टि हुई है, और मनु महाराज को बोले ब्रह्मा जी सृष्टि का काम प्रारंभ करो। बोले सृष्टि कहाँ करूँगा, कुछ तो है ही नहीं, सृष्टि करूँगा कहाँ, क्योंकि जो पृथ्वी ये रसातल में चली गई थी, पानी में डूबा हुआ था। इतने में ब्रह्मा जी ने उन्हें छींके, छींके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे छोटा पानी प्रकट हुआ है, और उन्होंने बढ़ते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया है, विशाल रूप धारण किया। फिर उन्होंने पानी में छलांग लगाया, और छलांग लगा करके ये पृथ्वी जो रसातल में चली गई थी, इसलिए बराह देव को देखना उनकी नासिका के ऊपर में वहां पर विश्व, ये क्या है पृथ्वी है, ये पृथ्वी। फिर उन्होंने पृथ्वी को लेकर के उन्होंने उठे, जब उठे फिर श्री मनु महाराज जी ने सृष्टि की प्रारंभ की। एक बार ये बराह देव प्रकट हुए हैं, और उसी समय जब भगवान बराह देव प्रकट हुए, इधर किया हुआ जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये इतने बलवान बने, इतने बलवान ये बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, एक एक मुष्टिका घात में एक पहाड़ को चकनाचूर कर देते थे। इनकी बराबर जगत में कोई भी योद्धा नहीं मिला। ये चारों तरफ में ढूंढ रहा था, कोई हो तो मेरे हैं, मेरे साथ में युद्ध करो, कोई भी इसको जो देखे ना। जब मुकुट पहन कर खड़े होते हैं, इनका सर आकाश को स्पर्श करता है, सबके सब डर के मारे सबके सब भाग गए। जब भाग गए इतने में कुबेरे को पास में गए, बोले मेरे साथ में दो हाथ कर लो। बोले भैया तू कहाँ इतने बलवान, मैं कहाँ इतना छोटा सा, कहाँ तेरे समक्ष के कर सकता हूँ। बोले बता दे कोई है क्या मेरे समक्ष, क्या है? बोले एक व्यक्ति है। बोले कौन है? बोले जाओ, इसी समय में जो पृथ्वी रसातल में चली गई, भगवान बराह रूप विष्णु बराह अवतार में ये पृथ्वी को उन्होंने उद्धार कर रहे, जाओ वही केवल तुम्हारी जो अभिमान, तुम्हारे जो हाथ में खुजला हाट है वही उसको दमन कर सकते हैं। जब उन्होंने आए ना, देखा ठाकुर जी बराह रूप, बराह मतलब सुअर का रूप है, उन्होंने आकर बोले ये तो एक ग्राम सुअर है, अरे ये सुअर से मैं क्या युद्ध करूंगा, तू सुअर अगर क्या युद्ध करोगे। इतने में भगवान ने कहा थोड़ा रुक जाओ, ये पृथ्वी को मैं अपना धुरी पर स्थापन कर देता हूँ, फिर तेरे को मैं मजा चखाऊंगा। बोले आ जा मैदान में आ जा। इतने में भगवान पृथ्वी को धुरी पर स्थापन करके फिर तो क्या युद्ध हुआ हैं, ऐसे युद्ध हुआ भगवान को साथ में बराह देव गदा लेकर के, और हिरण्याक्ष वो गदा लेकर के युद्ध हुआ ना, इतने पराक्रम था कौन, भगवान बराह श्री हिरण्याक्ष ऐसे भगवान को मारे, भगवान का हाथ से गदा गदा नीचे गिर गया, मतलब इतना बड़ा पराक्रम था, गदा नीचे गिर गया। जब गदा नीचे गिर गया इतने में हिरण्याक्ष कह रहे हैं देख रहे हो क्या, उठाओ गदा युद्ध करो, गदा उठाओ। भगवान लज्जित हो गए, ठाकुर जी लज्जित हो गए, बोले इतना पराक्रमी मेरे हाथ से गदा को गिरा दिया है, समझो ये हिरण्याक्ष कितने बलवान। भगवान क्यों ये हिरण्याक्ष हिरण्य के सब किस लिए लिए, बराह देव क्यों प्रकट हुए, कारण है भगवान वैकुंठ में सो सो करके भगवान सोच रहे हैं इतना दिन से सोया बड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी किसको साथ में थोड़ा लड़ाई थोड़ा हो जाता ना, युद्ध हो जाता थोड़ा है, इसलिए मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाती, और इतना दिन से सोया हुआ अनंत नाग के ऊपर सोया हुआ है, और भगवान के अंदर में 12 रस है, कितना रस है 12, 12 रस में ही
भगवान 11 रस तक तो आस्वादन किया, लेकिन एक रस आस्वादन नहीं कर पाए, वो वीर रस है। अभी भगवान सोचते हैं वीर रस मतलब युद्ध रस है। एक चींटी को साथ में हाथी का तो युद्ध नहीं होता है ना, हाथी हाथी में अगर लाई हो फिर तो पता चलता भैया कितना दम है हाथी। जैसे यहाँ सांड सांड लड़ते हैं, हैं, इसलिए हाथी हाथी में लड़ाई हो फिर लगता है भैया कुछ लड़ाई हुई है। इसलिए चींटी और हाथी में तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान सोच वगैरह सोच रहे हैं, लड़े तो किसको साथ में लड़ाई करें। इतने में जो जय और विजय कहते भगवान की जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के हृदय में जितने इच्छा वो अपनी आप एक शुद्ध भक्त का हृदय में अपनी आप परिस्फुट होती हैं। अभी ये जय विजय समझ गए, अभी ठाकुर जी वीर रस का आस्वादन करना चाह रहे हैं, इसलिए चतुसन वहाँ पर ठाकुर को दर्शन करने के लिए आए। हम पहले सुन रहे थे कैसे उनको द्वार को बंद कर दिए और कैसे ये भड़क गए। बोले हम जैसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए आदेश की जरूरत है, तुम दोनों को अभिशाप देता हूँ, जाओ तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ। रोने लग गए, ठाकुर जी आ गए। बोले क्या बात? बोले ऐसी ऐसी बात। बोले देखो मेरी मन में इच्छा थी किसको साथ में युद्ध करूँ, इसलिए मेरी इच्छा से ये सब कुछ हुई है। इसलिए तुम लोग अगर भक्त जीवन में जाओगे 7 जन्म के बाद में आओगे, अगर दैत्य बन कर जाओगे तो 3 जन्म में आओगे, बताओ क्या चाहते हो। बोले प्रभु हम तो जल्दी जल्दी वापस आ जाना चाहते। बोले जाओ। इसलिए पहले उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने और भगवान वराह अवतार में उनको दर्प का चूर्ण किया। इसलिए कहते वराह जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, पहले सुना ना, हिरण्यकश्यप मतलब कश्यप मतलब बिस्तरा, जिसका बिस्तरा हिरण्य मतलब सुवर्ण है, मतलब केवल जो भोग भोग भोगना चाहते हैं। कहते उसी तरह हमारी हृदय में भी भोग की वासना है, आंखों में भी भोग की वासना बैठा हुआ, लेकिन किसकी कृपा से दूर होगा? कहते श्री भगवान वराह देव और नरसिंह भगवान की कृपा से ही ये हृदय की ये कामना वासना दूर होते हैं। इसलिए हम सबके सब श्री वराह देव से प्रार्थना करें, हे वराह देव आपकी कृपा से ही हृदय में जो संसार का विषय की भोग की वासना आपका कृपा से ही दूर होता है। आप हम सबको पर में कृपा करो जैसे भोग की वासना दूर हो और आपकी चरण में हमें भगवान की भक्ति मिले। बोले श्री वराह भगवान की। कहते उनको बाद में फिर जाते हैं वहां पर एक शत्रुघ्न गोपाल है। कौन है ये शत्रुघ्न गोपाल? वहां पर कहते ये शत्रुघ्न गोपाल कौन है? बोले जिस समय कहते ये मथुरा में है एक लवणासुर था, इतने भयंकर था, उसको पिताजी का नाम था मधुदैत्य। इसने भोले बाबा को आराधना की है। भोले बाबा तो बड़े भोले बाबा है, हैं, वो सोचते नहीं क्या जिसको वरदान दे रहा हूँ क्या होगा नहीं होगा, सोचते नहीं। उसने भगवान शंकर जी को उपासना करते हुए उन्होंने शंकर जी को संतुष्ट कर दिया है। संतुष्ट जब कर दिया, इतने में शंकर जी ये मधु दैत्य को एक त्रिशूल दिया था। बोले देख बेटा, जब तक तेरे हाथ में ये त्रिशूल रहेगा दुनिया में कोई जन्म नहीं लिया जो तेरे को मार सकता है, ले ये त्रिशूल को। उसने ये त्रिशूल, उसका अंदर में अच्छी भावना थी, बेचारा अच्छी भावना, लेकिन उसको बाद में उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम हो गया लवणासुर। ये लवणासुर ये असत संग से इतना दुष्ट, इतने बदमाश वो बन गया, पूरा मथुरापुरी में टहलका मचा दिया, ठाकुर के राज्य में टहलका मचा दिया। और इसलिए अभी भी जाओगे मथुरा ना, वहां पर जितने पानी देखोगे सब लवण सब नमकीन, वहां सहज में आपको मीठा पानी सहज में वहां नहीं मिलेगी, सब पानी आपको नमकीन नमकीन मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको थोड़ी सी मीठा पानी मिल जाएगी, लेकिन प्राय करके पानी वहां नमकीन नमकीन लिए। इसलिए लवणासुर के अत्याचार से सब कैसा हो गया, इसलिए इतने अत्याचार बना। और साधु संतों को तो खा जाता था है, तो दैत्य है ना, साधु संतों को खा जाता था, किसको भजन करने नहीं देता, किसको भक्ति करने नहीं देता। और उसको बाद में वहां पर राजा मांधाता हुए, वो भी आक्रमण किए, लेकिन इसको हाथ में वो भी मर गए, क्योंकि त्रिशूल शंकर का त्रिशूल है ना,
उनको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। इतने में कुछ संतों को पता चला अभी भगवान राम का राजत्व है, अयोध्या में भगवान राम राजत्व कर रहे हैं, और राम उन्होंने सुना साक्षात भगवान इसी जगत में परित्राण आय साधु नाम विनाशाय जो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युग युग। ठाकुर जी ये राम रूप में दुष्ट को संहार संतों को रक्षा करने के लिए आए। सबके सब ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे, बोले प्रभु ऐसे ऐसे स्थिति है, आप भी रक्षा करो, उसको साथ में कोई जीत नहीं सकता, क्यों शंकर का त्रिशूल है। इतने में वहां पर भरत था, भरत ये हमारे शत्रुघ्न था, शत्रुघ्न ने कहा प्रभु भरत और लक्ष्मण आपका तो सेवा किया है, लक्ष्मण 14 साल आपको साथ में रहा, हर हर तरह से परछाई जैसे सेवा किया, भरत भी नंदीगांव में रह करके वो भी आपकी सेवा किया जटाजुट धारण करते हुए, लेकिन केवल मैं अभागा हूँ, आपका छोटा भैया, आपका कोई सेवा में नहीं कर पाया, ये सेवा कृपा करके आप मुझे प्रदान करो। जब प्रदान करो बोले तब भगवान राम बोले ठीक है बेटा। भगवान ने किया क्या, उनको उन्होंने राज तिलक लगा दिया, बोले तेरे को मैं राज तिलक लगाता हूँ और तुम मथुरा का अभी राजा बन जाओ। बोले प्रभु आपको मैं छोड़कर रह नहीं सकता, आपका चरण को छोड़कर कैसे रहूंगा कैसे। तो उसी समय में भगवान राम ने अभी जो बराह कथा सुना है ना, वहां पर दो बराह, कभी जरूर दर्शन करना। ये बराह पहले किसको पास में थे ये ठाकुर जी, देखो इसकी कथा सुनो। बोले ये सत्य युग में ये था कुबेर के पास में, रावण ने कुबेर को परास्त करके वो जो पुष्प के विमान है ना वो कुबेर से छीन लिया था, ये पुष्प विमान कुबेर छीन, पुष्प विमान छीन लिया, और उनको पास में जो बराह देव था ये कुबेर से रावण लेकर चला गया कहाँ, लंका। जब भगवान राम लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया, विजय प्राप्त करके उन्होंने वहां से उन्होंने क्या किया, वहीं से उन्होंने बराह देव को ले आए थे, कौन ले आए थे, भगवान राम। भगवान जब शत्रुघ्न ने बोला आपके सिवाय मैं बगैर रह नहीं सकता हूँ, भगवान राम ने बोला कोई चिंता मत करो, मैं अपना एक स्वरूप तुमको प्रदान करता हूँ। उन्होंने उनको ये बराह देव प्रदान किया, बोले ये बराह देव को ले जाओ, जो मथुरा में कौन दिया, भगवान राम ने शत्रुघ्न को दिया। पहले कहाँ था, स्वर्ग में, स्वर्ग से कहाँ गया, लंका, पर लंका से कहाँ आया, अयोध्या, अयोध्या से कहाँ आया, मथुरा। इसलिए वो बराह देव का दर्शन करने का बड़ा महत्व है, इसलिए आपको एक बार सबको ले जाएंगे दर्शन कराएंगे हैं। इसलिए भले ये बराह देव को तुम पूजा सेवा करना, इनके अंदर में मेरा रूप तेरे को दर्शन मिलेगा हैं, इनके अंदर में ही मेरा रूप तुमको दर्शन मिलेगा। और भगवान राम ने कहा देखो शत्रुघ्न सावधान, क्योंकि उसको हाथ में अगर ये त्रिशूल रहेगा तो उसको जगत पर कोई नहीं मार सकता है, लेकिन जब त्रिशूल नहीं हो उसको कोई मार सकता है। इसलिए एक काम करियो हैं, क्या करेंगे रा, बोले जब वो घर से बाहर जाता है शिकार खेलने के लिए, उसको हाथ में त्रिशूल नहीं रहता है, उसी समय में तू आक्रमण करना, फिर तब भी उसको परास्त करना बड़ा कठिन है। तब भगवान राम ने एक विशेष उनको उन्होंने बाण दिया, विशेष उन्होंने तीर दिया, कोशिश करना मारने के लिए, जब किसी तरह से तुम नहीं मार सकते हो लास्ट में ये अस्त्र को तुम प्रयोग करना है, लास्ट में अस्त्र को प्रयोग करना। सचमुच से ऐसे ही शत्रुघ्न एकदम दरवाजा को जब निकलेगा वहीं पर छुप करके खड़े हुए, जब उन्होंने बाहर जा रहे थे शिकार खेलने के लिए, वो जो त्रिशूल होता था घर में होता था उस समय, जा रहे थे इतने में लक्ष्मण ये शत्रुघ्न आक्रमण कर दिया, आक्रमण करके बोले मैं युद्ध भिक्षा मांगता हूँ, युद्ध करो। बोले तू बच्चा क्या युद्ध करोगे, बोले नहीं मैं मांगता हूँ युद्ध दो। बोले ठीक है रुक जा मैं अंदर से आता हूँ, क्यों वो त्रिशूल अंदर में है, अगर त्रिशूल रहेगा तो कोई हरा नहीं सकते हैं। बोले त्रिशूल की क्या जरूरत, आप युद्ध करना चाहो तो आपके साथ में अस्त्र और शस्त्र ये दोनों तुम्हारे पास में, इसलिए अंदर में जाने का कोई जरूरत नहीं, युद्ध करो। बस घमासान युद्ध हुई, लेकिन युद्ध करते 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 लास्ट में शत्रुघ्न उसको साथ में जीत नहीं सके। जब जीत नहीं सके तब लक्ष्मण ने भगवान राम ने
जो एक स्पेशल उनको बाण प्रदान किया था, लास्ट में वही बाण को उन्होंने लवणासुर को प्रयोग किया, तो लवणासुर वहीं पर अपना शरीर को छोड़ दिया। शरीर छोड़ने पर फिर श्री शत्रुघ्न फिर मथुरापुरी को दो बार उसने ये मथुरापुरी को बैठाया, फिर वहीं पर उन्होंने राजत्व किया। उसलिए वो जो शत्रुघ्न गोपाल है वो त्रेता युग से वो ठाकुर है। अभी जो मंदिर है ना वो त्रेता युग से वो ठाकुर है। इसलिए जिस समय ये ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, ये ब्रजमंडल परिक्रमा में शत्रुघ्न गोपाल जी को दर्शन करने का विशेष महत्व है। एक बार आपको हम दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। उसको दर्शन करते हुए फिर द्वारकाधीश जाते हैं, फिर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बन करके जहाँ पर 16,108 पटरानियों को लेकर के ठाकुर जी राजत्व करते हैं, जहाँ पर एक एक पत्नी से 10-10 बेटे और एक एक बेटी जन्म हुई, जहाँ पर भगवान द्वारकाधीश बन करके रुक्मिणी सत्यभामा मित्रविंदा लक्ष्मणा नागन जी तीन को साथ में जहाँ पर भगवान राजत्व करते हैं, वो श्री भगवान श्री द्वारकाधीश। इनके भी बहुत लंबी कथा, ये कैसे था, कहाँ पर गया, कैसे कैसे बड़े घूम फिर करके बाद में ये द्वारकाधीश आते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने कथा सुन लिया, भगवान कहाँ कहाँ पर आज दर्शन किया। इसलिए हम लोग तो मानसिक रूप में आप लोग सबके सब प्रणाम करो हर जगह को, जैसे हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा करने का जैसे हमें फल प्राप्त हो। बोले श्री मथुरा धाम की, बोले श्री मथुरा देवी की, निताई गौर प्रेमानंदे। अभी हमारे भक्त लोग कल जहाँ पर परिक्रमा जाएगी अलग अलग जगह पर जाएगी, एक जाएगी ताल बने हैं है? ये हमारे बलराम प्रभु जी आपको सुनाएंगे वृंदावनी कथा, हैं वृंदावनी कथा सुनाएंगे, कल सुनाएंगे, ठीक है। हमारे जो ब्रजमंडल परिक्रमा है ना उसको पहले देखना, ब्रजमंडल परिक्रमा पहले वहाँ पर आप कहे पूरा वृंदावन की महिमा, अच्छे अच्छे श्लोक वृंदावन धाम की महिमा। इसलिए जनार्दन तुम यहाँ का सुनाओ, हाँ तालबन का कथा सुनाओ, बलराम प्रभु आ जाओ। और तुम किसका, अम्बरीश महाराज माइक उनको दे दो, तुम क्या सुनाओ, ठीक ब्रजमंडल जो है, ये ब्रजमंडल कल हम श्रवण कर रहे थे, वृंदावन जो ब्रजमंडल है ये ब्रज क्यों नाम पड़ा है, ब्रजमंडल परिक्रमा के ग्रंथ प्रारंभ में ये सब विस्तृत वर्णन है। ब्रज शब्द का अर्थ है ब्रज धाम के महात्म्य, मंडल ब्रजमंडल परिक्रमा करने के महात्म्य, फल विशेषता, ये सब कुछ दिया गया है। यदि हम इन महिमा को श्रवण करके ब्रजमंडल परिक्रमा को मानसिक तथा प्रत्यक्ष रूप में करेंगे तो पूर्ण रूप में मिलेगा। इसलिए ब्रज शब्द का अर्थ है ब्रज, जो ब्रजति गच्छति इति ब्रज, मतलब जो चलता फिरता रहता है। हाँ जोर को, जो चलता फिरता रहता है, कैसे चलता फिरता रहता है, कहोगे दिल्ली तो कभी चल के कहीं दूसरे जगह गए नहीं, मेरठ तो कभी चल के गए नहीं, जो ब्रज में हम जाते हैं वो भी वहीं पे ही है, जब हम जाते हैं वो भी गूगल में अपने 203 किलोमीटर दिखाते हैं, आज भी वो दिखा रहे हैं, 4 साल पहले भी वो दिखा रहा था, तो वो ब्रजमंडल फिर चलता फिरता कैसे, कहते हैं इसीलिए सैंडिल मुनि है ना, जब बज्रनाथ जी को कथा सुना रहे थे इसलिए उन्होंने उनको बोला है, ये ब्रज शब्द का जो अर्थ है इसको ऐसे समझो, मुक्तानाम पदमभ्य गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति मुक्तानाम पदमभ्य, कहते हैं मुक्त लोग भी और उसके ऊपर भी वैकुंठ लोक के ऊपर भी गुण गुण के अतीत, मतलब ये जो तीनों शब्द रज तमो गुणातीत जो
आवरणात्मिक का जो माया जगत है, चतुर्दश भुवन है, ब्रह्मा और उससे ऊपर जो वैकुंठ लोक है, उससे ऊपर भी जो हम कहे क्या है, व्यापकम, बड़ा व्याप्त है वो, व्यापकम ब्रज उच्चते, उसी को ही ब्रज कहा जाता है। और एक तो ये चिन्मय वस्तु हो गया, गुण सतीत हो गया, तो जो गुण से अतीत हो गया, चिन्मय हो गया, यानी जीवंत वस्तु हो गया, तो वो तो कहीं पे भी चलता फिरता चला जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चिन्मय हूँ, ये शरीर जड़ है, परंतु आत्मा चिन्मय है, उस चिन्मयता के फलस्वरूप ही नहीं चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से नंद महाराज जी अपने परिक्रमा को लेकर के, ब्रजभानु महाराज अपने परिक्रमा को लेकर के, ये गोप और मथुरा में ये नंद बाबा जहां जहां पे भी भगवान को लेकर अपने परिक्रमा को लेकर के चले गए, वे सब स्थान क्या हो गया, ब्रज के अंदर ही आए। इसीलिए ब्रज चलता फिरता है और बनम में देह रूपकम, ये भगवान के शरीर स्वरूप है। इसीलिए इसमें 12 बन और 12 उपवन, द्वादश गुणात्मक वमनात्मक, ये ब्रजमंडल धाम है, 84 क्रोश है। तो जो ताल बन है, ये भगवान के विशेष लीला की स्थली है। जब हम जाते हैं तो ताल बन, उस ताल बन में हम दाऊ जी के दर्शन करते हैं, रेवती और दाऊ जी के दर्शन करते हैं। अब कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पे क्या लीला की है, जैसे प्रभु वृंदावन में चलते चलते नंदगांव बरसाना से फिर वृंदावन आते हैं, रमण नृत्य में खेला करते हैं, केली करते हैं, अलग अलग स्थान में जैसे लीला करते हैं। एक दिन मध्याह्न के समय भगवान ने अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तब वहां से मथुरा की ओर से, वहां से बड़ा सुगंध जो वायु उनके नासिका के अंदर गया, तो सब बड़े मुग्ध हुए, इतना सुंदर पके हुए फल का जो सौरभ है वो कहाँ से आ रहा है। तो सारे बछड़े भी वहीं पहुंच गए, सारे गाय भी उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच गए, और सखाओं को लगा, तो सखा ने भी देखा आज तो बढ़िया कुछ भोजन ही हमें प्रतीक्षा कर रहा है, इसीलिए कन्हैया को नाम बोल करके सारे जो जितने भी उनके सखा थे वे भी सारे भाग चले। उसी रास्ते में सुनते सुनते उसी वन में पहुंच गए ताल वन में, और वो था कंस का क्या ताल वन। उस ताल वृक्ष से जो एक विशेष सोम रस निकलता था वो केवल कंस के निजी उपयोग के लिए ही किया जाता था। वहां पे इंद्र भी आए तो इंद्रों को भी भगा देते थे, क्योंकि वहां पे कंस एक बहुत बड़ा प्रभावशाली असुर को वहां पे उसने नियुक्त कर रखा था कि इस वन का जो फल है केवल और केवल कंस का होगा। और यहाँ पे जब सखा लोग वहां पे जाके पहुंचे तो भगवान ने देखा कि मेरे गाय बछड़े सखा कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो भगवान ने उनके पीछे अनुधावन करते हुए उसी वन में पहुंचे। अब भैया दाऊ जी और कृष्ण और अपने सखा बछड़ों और गायों के साथ सब उधर चले गए, तो वहां पे उन्होंने मधुमंगल ने देखा यहाँ पे पेड़ के ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर पे जाकर के पके हुए ताल वृक्ष, और ताल वृक्ष के ऊपर जो है पके हुए ताल है, और उसको जैसे ही हिलाया धड़ 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 करके गिरने लगे फल, और मीठे फल के आस्वादन सारे सखाओं ने करने लगे। और जैसे उन्होंने उस वृक्ष को हिलाया, इतने में जो शब्द हुआ, वहां के जो रखवाला था कंस ने जिसको नियुक्त किया था उसका नाम था धेनुका सिंह, धेनुका गधे का नाम होता है, और उन गधों के जो असुर है उसी को वहां पे उसको नियुक्त, बड़ा पराक्रमी वो था। गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है कंस किस प्रकार इसको आयत में लिया था, एक साथ धेनुकासुर और बड़े बड़े राक्षसों को उसने जीत करके, मैं भी कह रहा था ना उसमें लास्ट में जाकर परशुराम जी के पास पहुंचा, तो उससे पहले बड़े बड़े इन लोगों को उसने हत्या कर लिया था। तो धेनुकासुर उसने बताया कि यहाँ पे केवल कंस का निजी उपयोग के लिए है, तुम लोग नहीं ले सकते हो, परंतु जो भगवान है वो सर्व स्वतंत्र है। इससे पहले भगवान के पास मामा ने बहुत कुछ दिया, भगवान क्या किया उसको जो खिलौना समझ करके खूब खेलते रहे, परंतु जब देखा कि खिलौना अपने स्वभाव के विपरीत जा रहा है तो भगवान उसे खेलते हैं और तोड़ देते हैं। इसका मतलब समझो ये सारा जगत भगवान की क्रीड़ा स्थान है, और यहाँ की हर एक चीज भगवान की खेलने का साधन है। मान लो मैं एक गेंद फेंक रहा हूँ और अगर दीवार पे लग करके मेरे पास आए तभी तो वो मुझे सुख देगा ना, अगर मैं गेंद फेंका और वो अपने रास्ता देकर कहीं भाग गया तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। इसीलिए अगर भगवान की इच्छा के अनुसार अगर हम खिलौना बन जाए ना तो भगवान तो हमारे साथ खेलेंगे,
और अगर बच्चा देख रहा है खिलौना तो मेरे साथ ही नहीं दे रहा है, तो वो उसको क्या कर देता है, तोड़ के फेंक देता है। तो अगर हम भगवान की इच्छा के अनुरूप नहीं खेलने में सहायक बनेंगे तो फिर हमें वो तोड़ देंगे। इसीलिए वो हर एक खिलौने से खेलते थे और जब देखते थे वो अपने अनुकूल नहीं है तो भगवान उसको खेल करके तोड़ देते थे। आज एक ऐसा खिलौना मिला है जो भगवान की सेवा में नहीं है, इसीलिए सबसे पहले बलराम प्रभु ने इसको वध किया और वध करके वहां पे अच्छे सुंदर सुंदर फल को लेकर के वृंदावन में आया और बाद में फिर उसको जो वृंदावन वासी अपने उसमें वो फल को आस्वादन बाद में करने लगे। शिक्षा ही यहाँ पे कहते हैं कि बलराम जी इस धेनुकासुर को क्यों वध किया, जैसे प्रहलादासुर धेनुकासुर इनको बलराम जी क्यों वध करते हैं। कहते हैं ये बलराम प्रभु गुरु तत्व है, ये मूल गुरु तत्व है, हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं ये सभी कौन है, ये बलराम प्रकाश है, बलराम प्रकाश। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास तथापि जानी हमें तहार प्रकार शिक्षा गुरु पद जानी तहार स्वरूप भक्त सृष्टांतरयामी यही द्वैर। क्या कहते हैं कि यद्यपि हमारे गुरु जी है तो भगवान के दास ही, परंतु फिर भी कृष्ण कृपा की मूर्ति बन करके वो ही उन्हीं के प्रकाश ही अभी हमारे सामने गुरु जी के रूप में है। क्योंकि एक दूसरे स्थान की चीज को अगर हमें कोई दिखाता है तो अपने स्थान के व्यक्ति नहीं दिखाएगा। जैसे मान लो कोई दिल्ली में रहता है, दिल्ली कितना सुंदर है, दिल्ली में रहा हुआ व्यक्ति ही बड़ौद में आकर कहेगा भैया तुम कहाँ पे जमीन लेने जा रहे हो, तुमने एक बार दिल्ली तो चलो। इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा अटेंशन से मतलब ध्यान पूर्वक इसको सुनो। बलराम तो हमें पहले क्यों व्याख्या करते हैं, क्यों बलराम जी की कृपा प्रार्थना करते हैं। हमारे एक स्थान ब्रजमंडल में जब हम दाऊ जी जाते हैं तो दाऊ जी होकर के अन्य अन्य स्थान में जाते हैं, क्योंकि दाऊ जी की कृपा बलराम जी की कृपा पहले चाहिए, क्योंकि वही बलराम जी कृष्ण सेवा को सिखाने के लिए इस जगत में उनका उन्होंने शिक्षा देने के लिए ही इस जगत में नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम प्रभु के रूप में आते हैं और दिखाते हैं कि जो भगवान को अच्छा लगता है वो केवल भगवान ही जान सकते हैं। इसीलिए वही भगवान का दूसरा रूप में गुरु के रूप में आया हूँ, परंतु मैं तो समझूंगा खुद को क्या, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, परंतु जो मेरे से सीखेगा वो मेरे को क्या समझेगा। है तो मेरे गुरु जी उन्हीं के दास, परंतु होते हुए भी वही भगवान गुरु के रूप में आया ना, इसीलिए गुरु में भगवत तत्व के वो दर्शन करेगा। परंतु ये नहीं कि रसिक गुरु जी है और राधा कृष्ण की जो जो लीला विलास है उसमें हमारे गुरु जी सहायक है, या तो बलराम के स्वरूप से या तो राधा जी के स्वरूप से दासी है अथवा दास है, परंतु गुरु ही भगवान है। इसीलिए जो भी हमें चढ़ाना है सब कुछ गुरु जी के चरण में, ये कभी सदगुरु नहीं सिखाएंगे। तो बलराम प्रभु वही कह रहे हैं कि मूल कृष्ण जगन्नाथ जी हैं और मैं तो उनका दास हूँ। तो ये जीवों को शिक्षा देने के लिए, इसीलिए एक जीव को शास्त्र में आता है माया मुक्त जीवन में स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे कृपा कृष्ण पहला वेद पुराण। इसका मतलब है क्या, कभी आप लोग जब 10 साल 20 साल पहले आप मन में था कि हम घोड़े पर बैठ करके ये लिखेंगे, क्यों नहीं था, क्योंकि आपने एक सदगुरु की चरण आश्रय नहीं किया था। क्या आपने हरि नाम करने के लिए कभी सोचा था, कभी आप तिलक कंठी धारण करके जीवन की दुर्लभता को सोच करके भजन करने के लिए कभी सोचा था, हुआ कैसे, गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी ने आपको वो सब चीजें सिखाया ना, क्या सिखाया, स्वतः कृष्ण ज्ञान कभी जी का नहीं होता है, अपने आप से हम भक्त थे थोड़े, अब हमें गुरु जी का सानिध्य मिला तभी हमें हुए ना, ये शास्त्र ये गुरु बाप के ये सब पता कैसे चला, गुरु जी के सानिध्य से ही गुरु को समझा जा सकता है। इसीलिए कोई व्यक्ति का अपने आप से ही गुरु तत्व मतलब भगवान की प्रतिभा नहीं हो सकता है, अतः वेद पुराण के माध्यम से और उस वेद पुराण को भी ठीक ठीक पढ़ा करके समझाने के लिए गुरु जी क्या करते आते हैं। अब यही गुरु जी जब एक व्यक्ति को पहले अंगीकार करते हैं, देखते हैं कि एक जीव जो है वो माया में ग्रसित है, यही माया का नाम ही अविद्या, ये माया का नाम ही अस्मिता, इसी माया ही आवरणात्मिका होकर के जीवों को अनादिकाल से 84 लाख योनियों से और तीनों ताप और चार दुखों से तड़पा तड़पा करके रहा है। परंतु ये गुरु का काम क्या है, उस अविद्या को नष्ट करना, और यही अविद्या ही गधे का परिचय है। हम गधे को बोलते हैं ना गधा है, गधा मतलब क्या है, अज्ञानी है,
इसीलिए पहले अज्ञान को नष्ट करना पड़ेगा और वो काम कौन करेगा? गुरु जी करेंगे। इसीलिए गुरु कौन है? बलराम जी है। और गधे रूपी अज्ञान को जब तक वो दूरी नहीं करेंगे तब तक जीव को कृष्ण के ज्ञान कैसे होगा? इसीलिए संबंध ज्ञान के लिए गुरु क्या करते हैं? पहले प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और वही प्लेटफॉर्म को बलदेव प्रभु इस लीला के माध्यम तैयार करके कहते हैं कि तब जा करके तो तुम अपने को कृष्ण सेवक रूप में बनाओगे। इसीलिए बलराम प्रभु ने यहाँ पे तालमेल में धेनुकासुर के वध किया था। ब्रजमंडल में बहुत सुंदर स्थान है रेवती के साथ भगवान बलराम जी का, वहाँ पे बहुत सुंदर स्थान है, सुरभ्य स्थान है। कौन कौन गए वहाँ पे? खड़े जाओ, बोलो ज्यादा नहीं, 5 मिनट बोलो। वो जो कथा बोले उसको कथा नहीं सुनाना, उनका तत्व ज्ञान सुना, कथा तो उन्होंने बोल दिया। बलदेव प्रभु कौन है, क्या करते हैं? श्री चरण कमलम नम कोटि साक्षात रूप प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव सभी के चरणों में यह दैव प्रणाम करता हूँ। अभी गुरुदेव का आदेश हुआ है कि ताल बस दे, ये ताल वन मथुरा मंडल में स्थित एक बहुत ही भव्य पारावन से बने हुए प्रभु जी ने बताया। इसमें प्रभु जी ने अभी भेंका सूर्य जी को बताया कि भगवान प्रभु ने भेंका सुर का वध किया। भेंका सुर है कौन? ये प्रहलाद महाराज जी के वंशज है। प्रहलाद महाराज जी के पुत्र हुए विलोचन, विलोचन के पुत्र हुए बलि महाराज और बलि महाराज के पुत्र हुए सहसिका। ये सहसिका इतने बड़े पराक्रमी थे, जब ये एक बार देवताओं को जीतने के बाद श्री गंगमार्ग पर्वत पर जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक अप्सरा मिली। तो अप्सरा जब इन्हें मिली तो वो असुर था, वो अप्सरा दोनों जब एक दूसरे का सामना हुआ तो कहते हैं कि 3 चीज का प्रभाव आदमी के जीवन पर बहुत जल्दी पड़ता है, काल का, परिस्थिति का और समय का। तो जो उस समय वो ऐसा समय था कि दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हुए और वे दोनों गंगमार्ग पर्वत पर आ गए। उस गंगमार्ग पर्वत पर वे एक ऐसे रमणीय स्थान पर पहुंचे, उसी के पास दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो जब वे अपने दोनों काम वासना में लिप्त थे तो उस समय दुर्वासा ऋषि जी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने देखा कि वे तो सब जानते थे दुर्वासा ऋषि कौन थे, जिनसे जिनका श्राप बहुत भयंकर और सभी उनसे डरते थे। उन्होंने जब उनको देखा तो उन्होंने कहा कि तुम इतने लिप्त हो कि तुम्हें यहाँ बैठा हुआ मैं भी नहीं दिखाई दिया और तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। वे उस समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाए हुए थे। तो उन्होंने जब ही उसको सासिका को श्राप दिया कि तुम्हारी प्रवृत्ति गधे जैसी है, तुम तुरंत ही गधे हो जाओ। तो उनको जो गधा वाली श्राप दिया तो वही भेंकासुर आकर यहाँ पर भेंकासुर बनाए और जो अप्सरा थी उसको आशीर्वाद दिया, उसको श्राप दिया कि तुम भी असुर योनि में चली जाओ। तो वो असुर योनि में चली गई, पर दोनों ने ही जैसे ये सुने तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत ही उनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर उनके चरणों में रोने लगे और उनसे प्रार्थना करी आप हमें क्षमा करें और उनकी स्तुति की। अब साधु तो कोमल हृदय के होते हैं, जब उन्होंने बहुत देर तक उनकी स्तुति करते रहे, उनके चरण पकड़े तो उन्होंने उनको अभय प्रदान किया और श्राप तो उनको मिल चुका था पर उनको दोनों को आशीर्वाद दिया फिर कि जब किसी मनमंत्र में मथुरा मंडल में तालवन में जहाँ तुम निवास करोगे, जहाँ तुम मैं निवास करना कहता हूँ वहाँ पर कभी भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनके बड़े भाई बलभद्र के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें पूरे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और उस अप्सरा को उन्होंने कहा कि तुम जब कृष्ण वंशज में जो कृष्ण भगवान के पोत होंगे प्रदुम, उनसे जब तुम्हारा कल्याण होगा तो तुम्हारा उनसे विवाह होगा। तो दोनों का उद्धार करके उन्होंने उनका आशीर्वाद दिया। तो वो ही सासिका जब धेनुकासुर बन के आया तो बलराम प्रभु के द्वारा उनका उद्धार हुआ। बलराम प्रभु ने उनको क्यों मारा? क्योंकि प्रहलाद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे कुल में
कोई भी आएगा चाहे वो कितना भी असुर जाति का हो, मैं उसका वध नहीं करूंगा। तो जो ये हिंकासुर प्रहलाद महाराज जी के कुल का था, इसलिए भगवान ने उनको नहीं मारा और बलदेव प्रभु ने मारा। फिर प्रभु जी ने बताया कि बलदेव प्रभु ने ही क्यों मारा, क्योंकि वे अखंड गुरु तत्व है। और हिंकासुर को बताया गया है अज्ञान रूपी का कि भगवान जो अखंड गुरु तत्व है, गुरुदेव है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे अज्ञान को नष्ट करते हैं किसी प्रकार के, उसके बाद उससे आगे की बात शुरू होती है। अगर पहले ही हमें कुछ शिक्षा प्रदान हो गई, पर जो हमारा अज्ञान रहा हुआ है, हम उसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें गधे के लिए कि गधा जिस प्रकार गधा मूर्ख होता है और अपने मालिक के द्वारा सताया जाता है, फिर भी उसके पास ही लगा रहता है, कामी होता है और वजन होता रहता है, इसी प्रकार भी हम लोग भी गधे हैं और हम भी इस संसार में मूर्खों की तरह पड़े हैं। जो गुरुदेव ध्यान देने आए हैं उसको नहीं ले रहे हैं और इस संसार के वजन को ढो रहे हैं, जो कई नौकरी कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, और पिट रहे छितरे फिर भी वही कर रहे, स्त्री संग कर रहे हैं जो, और तीसरा और इस संसार का भोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तीन कथा गुरुदेव के द्वारा मैंने सुनी है, मैं दोबारा उन्हें सुनने का प्रयास करूंगा। इसमें गधे के लिए बताते हैं कि कुछ गधा कैसा रूप होता है कि एक बार क्या हुआ, एक धोबी के यहाँ गधा बजा हुआ था, तो जो उसके आसपास के जंगल में गधे थे वे देखते थे ये एक जगह बजा रहता है, हम इसको अपने साथ सम्मिलित कर लेंगे। तो वो एक दिन उसको जाके कहा कि तुम हमारे साथ खुले जंगल में चल, तो यहाँ क्यों बजा रहता है। तो वो कहने लगा मैं आज नहीं कल जाऊंगा। तो वो ठीक है ठीक है कल चलियो। वो फिर कल फिर आए, उनको भाई उसे बुला लो अपने साथ कर लेंगे, भाई हमारी बिरादरी का है आ जाएगा, तो पता है रोज पिटाए, मतलब कोई बात नहीं कल चलेंगे। ऐसे करके उन्हें तीन चार बार टाल दिया। तो जब आके तो जो उन गधों का सरदार था उनका आज मैं जाऊँगा, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा हो, ठीक है भाई आ जाओ। वो आज गया, भाई चल तू नहीं आ रहा, तू रुकता क्यों नहीं आ रहा। भाई देख सुन ले एक बात, एक ही कारण है बस, जो धोपी है ना इसने वो कह रखा अपनी बेटी को, अगर तू पढ़ेगी नहीं तो मैं तेरा ब्याह कैसे कर दूंगा, मैं इसी कारण ये बताऊंगा। ये गुरुदेव के मुख से कथा सुनी थी, ये कथा कदे की है, ये गधा इतना मूर्ख है, वे उसको खोलने जा रहे हैं वो फिर भी गधा में पड़ा है। तो ये हालत हमारी है, गुरुदेव हम सबको इस संसार रूपी बंदर से अपने घर पे ले जाने के लिए आया है, फिर भी नहीं, आज नहीं कल को आओगे, कल को नहीं परसों को आओगे, बस वही काम हो रहा ये फंसे बड़े। इसके लिए अभी एक कथा आपको सुना, अभी भी कहा हुआ जब गधा चलता है तो वो क्या करता है, वो अपनी भूख नहीं देखता, वो क्या देखता है, जिस स्थान पर चलता है उसकी किसान देखता है, मैंने कितना खा लिया, मैं घूम फिर गया, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, वो एक खेत में जब बारिश हो रही थी उस समय चल रहा था, तो जब बारिश का मौसम था तो खेत पूरा हरियाल भरा हुआ था, और जब वो खा रहा था तो घास खत्म नहीं हो रही थी, उसे वो किया गया कि मैंने तो कुछ खाया नहीं, अब जैसा फालतू खेत चल गया, जब भी देखा मैंने तो कुछ खाया नहीं। तो वो उस वियोग में कि मैंने कुछ खाया नहीं, उसे पीछे खत्म होता नहीं दिखाई देता, चारों तरफ हरा भरा था, तो अपने मन की वजह से वो कमजोर हो गया, खाता जा रहा है कमजोर हो रहा, क्यों, क्योंकि वो बुद्धि नहीं है ना, उसका नाम क्या है, गधा। तो जब है गधा तो देखते हैं कहां से कितना पेट है। अब इसी प्रकार जब वो गधा धूप, जब किसी ग्रीष्मकालीन ऋतु में किसी सूखे उसमें जाता है खेत में, तो वहां तो सब पहले से खत्म होता है, तो वहां जब थोड़ा सा चलता है वो देखता है हाँ खेत तो खाली सा हो गया, पेट भर गया मुझे, तो अपने मन से भी सोचता है कि मैंने पूरा खेत मैंने खाली करा, उन्होंने बता दिया धूप में सूख गया खराब हो गया, पहले अपने आप ही खत्म हो गया, तो अपने बुद्धि से वहां तरडा हो जाता है। तो यह है गधे की प्रवृत्ति। तो इसमें अखंड जो गुरुदेव है वे हमारे इस तरह के ज्ञान को, जिसको हम अहंकार रूप में बैठ गए कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं वकील हूँ और मैं फलाना हूँ और मैं ढिकाना हूँ, उस सांसारिक ज्ञान को जो हमारे किसी भी काम नहीं आ रहा, किसी भी काम नहीं आ रहा, सिर्फ एक पैसा कमाने की एटीएम मशीन तो बन सकता है, पर इससे बदती कुछ नहीं होना,
जब 60 साल की आयु होगी, जब हमारे हाथ पर काम नहीं करेंगे, वो ज्ञान किसी भी काम नहीं आने का, किसी भी का काम नहीं। पर जब हम संसार को छोड़ के जाएंगे, जो गुरुदेव हमें दिव्य ज्ञान देने आए हैं, वो ही हमारे काम आएगा। उसी ज्ञान को प्रदान करने के लिए गुरुदेव ने आना है। उन्हीं गुरुदेव प्रभु का साक्षात प्रकाश है, उनसे अभिन्न प्रकाश ये गुरुदेव है। उनके जिस प्रकार आप एक बहुत बड़ा समुद्र है, उस बड़े बहुत बड़े समुद्र में से हो गया, कल फिर कल सुनाना। हाँ थोड़ी सा 10 मिनट सुना था, सुना था, आ जाओ खड़े हो जाओ। उसमें क्या गया, 10 मिनट सुना था। अरे आज आधा सुनाना, कल आधा सुनाना। मेरा भी अधर है क्या? हाँ तुम्हारी कल बोलो, कोई बात 10 मिनट सुना। पेपर नहीं रखना? हाँ पेपर नहीं रखना, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आज अतिकाल हो चुका है और फिर भी गुरुदेव की आज्ञा है कि मैं श्री अम्बरीश जी के दिव्य चरित्र पर कुछ कहूँ। देखिए श्री अम्बरीश जी जो है, एक बार शुभदेव जब श्रीमद् भागवत जी चल रही थी तो शुभदेव जी ने जो इनका वर्णन किया है, कहा है, सबई मन कृष्ण पादार विंदरयो विचलति वैकुंठ श्रुतिं चकार उच्चते सतो कथम। इनकी समस्त शारीरिक देह और इनका समस्त क्रिया केवल और केवल श्री भगवान के प्रति, श्री भगवान के लिए ही होती है। महाराज अम्बरीश महाभाग सप्तदीप महीपति, ये सप्तदीप के राजा थे। अम्बरीश जी का चरित्र बहुत 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 उज्ज्वल है। जब श्रीमद् भागवत जी के दिव्य रस का वर्षण सुखदेव जी कर रहे थे, तब परीक्षित जी ने पूछा, उन्होंने कहा सुखदेव जी से कि दुर्वासा को, पहले दुर्वासा का वर्णन किया है, दुर्वासा कौन है? दुर्वासा है जिसका असर खाना है, दुर्वा खाना ही जिनका असर है, जो सदैव केवल और केवल घास ही खाते हैं, उनका नाम है दुर्वासा। तो कहा श्री सुखदेव जी ने कहा कि ब्रह्म दंडो दुरत्या किंतु नास्ति स्पर्श ब्रह्म शापपि। मतलब इसका मतलब है कि ब्रह्म दंड का जब अम्बरीश जी ने प्रयोग किया, तब वो ब्रह्म दंड महाराज किसी के रोगे नहीं रुकता। ब्रह्मा और शंकर की गति जो है, वही गति ब्रह्म दंड की है। जो गति से भी साधन करते हैं, उसी गति का दिव्य ताप महाराज, दिव्य तेज ही वो ब्रह्म दंड का तेज है। इस कारण से वही दंड, और वो किसी के रोके नहीं रुकता। लेकिन अम्बरीश जी जब उस उन पर श्री दुर्वासा जी ने यह प्रयोग किया, तब वह रुक गया। यह सुनकर के पूछा है श्री परीक्षित जी ने कि प्रभु ऐसे दिव्य संत की कथा आप हमें सुनाएं। महाराज जी, अम्बरीश नृप अवध नगर के अतिशय प्रिय करुणा सागर के रहे अनन्य भक्ति व्रत धर के। इनमें दोनों भक्ति ही विद्यमान है, क्रियात्मिका और भावात्मिका भक्ति दोनों ही विद्यमान है। श्रवण निरत नीत हरि की कथा के माही, वाणी रही लागी नीत हरि गुण गान में, नयन माने चैन हरि संत को दरस करी, लीन मन प्रभु पद कमल के ध्यान सिर से नमत, हरि हरि जन पद माही, पाद परि भ्रमण सूतिरथ स्थान में, करते करत मर जान दी हरि मंदिर में, करते करत मार जन आदि मंदिर में, नासिका पादार पित तुलसी के घ्राण में। महाराज इनका पूरा का पूरा शरीर केवल और केवल श्री भगवान की सेवा में नियुक्त रहता। कोई भी अंग जो है इनका भगवान की सेवा से अलग नहीं रहता। और प्रभु प्रसाद ही भोगे भोगे भूषण धान, मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान।
किया, जिनका पूरा का जिनकी क्रिया साक्षात श्री भगवान की दिव्य सेवा में सदैव रहती थी, उनका नाम है अम्बरीश जी। अम्बरीश जी किस लेवल के भक्त थे महाराज, एक बार नारद जी अपने बगल में बही ले जा रहे थे, बही खाता होता है ना, उसको लेकर के जा रहे थे। जब नारद जी चले तो रास्ते में अम्बरीश जी मिले, अम्बरीश जी ने प्रणाम किया, अम्बरीश जी ने कहा प्रभु क्या लेकर के जा रहे हैं। नारद जी ने कहा इस बही में उन भक्तों के नाम की सूची है जो भगवान को अतिशय प्रेम करते हैं, यह उन भक्तों की सूची है। महाराज जब खोल करके देखा, अम्बरीश जी ने सोचा कि मेरा भी नाम होगा इसमें, क्योंकि मैं भी भगवान की अर्चा पूजा करता हूं। पर जब वो बही खोली तो उसमें अम्बरीश जी का नाम नहीं। अम्बरीश जी बहुत दुखी हो गए। थोड़े दिन बाद श्री नारद जी फिर से एक बही लेकर के आ रहे थे, उसमें उन भक्तों का नाम था जिनको श्री भगवान याद करते हैं, जिनका स्मरण श्री ठाकुर जी करते हैं। जब वो बही खोल जब पूछा नारद जी से कि यह बही किस इसमें क्या है, तब उन्होंने कहा कि यह उन भक्तों का चरित्र है, यह उन भक्तों के नाम की महाराज सूची है जिनको स्वयं श्री ठाकुर जी याद करते हैं। अम्बरीश जी ने सोचा जब उसी में ही मेरा नाम नहीं था तो इसमें भी मेरा नाम नहीं होगा। फिर भी उन्होंने जब खोल के देखा तो सबसे पहले श्री अम्बरीश जी का ही नाम था, सबसे पहले श्री अम्बरीश जी का ही नाम था। धन्य हो गए अम्बरीश जी, महाराज रुदन करने लग गए कि मैं ठाकुर जी को इतना प्रिय हूं कि वो मुझे स्मरण करते हैं। महाराज इनकी दिव्य भक्ति अपार है, इनकी भक्ति के बदले ये श्री भगवान से कुछ भी नहीं चाहते थे। एक दिन क्या हुआ, रसोई में महाराज पाकशाला में आटा खत्म हो गया। जब आटा खत्म हुआ तो अम्बरीश जी ने क्या किया, स्वयं ही अम्बरीश जी चक्की चलाई, चक्की चला करके जब आटा पीसने लगे तो इतने में ठाकुर जी ने देखा, अरे जिनकी सेवा में दास दासियां नियुक्त रहते हैं, सारे के सारा महाराज सारा साम्राज्य इनका स्वयं का है, सबके सब दास दासियां चरणों में आलोड़न प्रलोड़न करते रहते हैं, फिर भी ये मेरी सेवा अपने हाथ से करते हैं। जय भगवान देख करके महाराज बहुत आह्लादित हुए और साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। अपने चक्र को भगवान ने बगल में धर दिया, शंख को छोड़ दिया, गदा पद्म को छोड़ दिया और चतुर्भुज से महाराज श्री पर अम्बरीश जी को पंखा करने लग गए। जब अम्बरीश जी को पंखा करे तो जिस शरीर के अंग से पसीने निकल रहे थे अम्बरीश जी के चक्की चलाते वक्त, अम्बरीश जी ने देखा महसूस किया कि मेरे उसी शरीर में दिव्य महाराज ऐसी ठंडी ठंडी हवा का कैसे प्रभाव हो रहा है, तो देखा यह कौन कर रहा है, तो पीछे देखा तो स्वयं श्री हरि पंखा लेकर के महाराज उनकी दिव्य सेवा कर रहे हैं। अम्बरीश जी घबरा गए महाराज, सकुचित हो गए, संकोच में पड़ गए, चरणों में पड़ गए श्री भगवान की, ये क्या कर रहे हैं प्रभु। बोले ये क्या कर रहा हूँ, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्रभु मैं तो आपके लिए आटा पीस रहा हूँ, तो बस जो तुम कर रहे हो मैं कर रहा हूँ। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही स्मरण करता हूँ, गीता में श्री भगवान कह रहे हैं। तो महाराज ऐसे दिव्य अम्बरीश जी हैं। एक बार ऋषियों की सभा लगी, जब सारे ऋषियों की सभा लगी तो नारद जी से पूछा गया कि इस समय महाराज इस पूरी की पूरी पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो जब यह पूछा नारद जी ने, सबने कहा नारद जी हैं, क्योंकि सदैव भगवान का नाम इनके मुख में रहता है और भगवान इनको अतिशय दर्शन देते हैं। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते रचन वचन मेकम केवलम चाकलैह ध्रुव पदम अपियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नदास्ति। श्री नारद जी, नारद जी ने कहा नहीं मैं नहीं हूँ, इस समय पृथ्वी पे जो भगवान का अतिशय प्रिय भक्त है वह श्री अम्बरीश जी है। सब सोचने लग गए कि अच्छा अम्बरीश जी, पर दुर्वासा जी भी वहां बैठे थे। दुर्वासा जी ने कहा ये नारद सोच समझ के बोल, तू क्या कह रहा है, इतने महाराज योगी है, इतने त्यागी है, अम्बरीश गृहस्थी है, अम्बरीश कैसे भक्त हो गया। तो महाराज उन्होंने कहा आप, मैं सोच समझ के ही कह रहा हूं, सबे कहावत राम के सबे राम की आस, लेकिन राम कहे जे आपनो ते भज तुलसी दास। सबको राम जी की आशा है, सबको राम जी, सब राम जी की भक्ति करते हैं, लेकिन जिनको श्री राम जी कहते हैं कि तू मेरा है, तुलसीदास जी कहते हैं मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं और अम्बरीश जी वही है। महाराज जी
नारद जी ने कहा कि मैं सोच समझ करके ही बोल रहा हूँ। तो नारद दुर्वासा जी ने कहा मैं परीक्षा लूंगा। नारद जी ने कहा सोच समझ के लेना, क्यों? क्योंकि छोट जान, भगवान कहते हैं छोट जान मेरे भक्तन को जो कोई आंख दिखावे तो ऐसो पड़ो बनाऊ वाको ब्रह्मा शीश नवावे। ऊंच नीच सब काज भक्त के सब अपने हाथ बनाऊ ब्रह्मादिक की कौन कहे मैं खुद ही शीश नवाऊ। ब्रह्मा जी की कौन कहे मैं स्वयं उस भक्त को शीश नवाता हूँ। महाराज जी दुर्वासा जी चले हैं अम्बरीश जी की परीक्षा लेने के लिए। भक्त परीक्षा की ले आशा उग्र तपस्वी ऋषि दुर्वासा पहुंचे अम्बरीश के पास। अम्बरीश जी के पास पहुंचे, अम्बरीश ने देखा परम संत दुर्वासा जी आए हैं। ओहो महाराज क्या किया उन्होंने, अर्घ पात्र के सहित निपति ने दिया उचित सम्मान। हाँ अर्घ पात्र के सहित निपति ने दिया उचित सम्मान मत कर भक्तन को अपमान सहायक भक्तन के भगवान। मत कर भक्तन को अपमान सहायक भक्तन के भगवान। ये वही पहुंचे हैं अम्बरीश टीला पे जिनकी कल गुरुदेव बात कर रहे थे। अम्बरीश टीला पर अम्बरीश जी श्री एकादशी का जो व्रत है उसका पालन कर रहे थे उसी समय ये पहुंचे हैं जिनको अम्बरीश जी ने कल से यहाँ से कैसे उन्हें परीक्षा करेंगे, कैसे पारण के लिए उनको निमंत्रण देंगे, कैसे लेट हो जाएगा, कैसे ब्रह्मास्त्र प्रयोग करेंगे। फल ये कथा को कल फिर कल परिक्रमा यहीं पर जाएगी जहाँ पर अम्बरीश महाराज ने गए थे परीक्षा करने के लिए। कल फिर इस कथा को सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री अम्बरीश महाराज की, बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री श्री शत्रुघ्न लाल की, द्वारकाधीश की, मथुरा देवी की, दीर्घ विष्णु की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण I'm
राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मणि जी विजय नित्य लीला प्रवेश भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज विजय।